नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आलोक व्यास, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ जिसे महाविद्यालय द्वारा छात्रों के हित हेतु तैयार किया जा रहा है। आज हम अध्ययन करेंगे उच्च ताप सह पदार्थ के विभिन्न उदाहरणों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि उच्च ताप सह पदार्थ क्या होते हैं और इनके क्या गुणधर्म होते हैं। तो आगे शुरू करने से पहले एक बार पुनः उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। उच्च ताप सह पदार्थ क्या है? वह अधातु पदार्थ जो बिना पिघले एवं बिना नरम हुए उच्च ताप, कम से कम कितना, 1500 डिग्री सेल्सियस तक को सहन कर सकते हैं। और ये उच्च गलनांक वाले ऑक्साइड जैसे SiO2, Al2O3, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इत्यादि के बने होते हैं तथा इनका उपयोग ईंटों के रूप में तथा धातु पिघलाने वाले पात्रों अथवा भट्टियों के अंदर अस्तर के रूप में किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो विविध पदार्थ हैं जो कि इस श्रेणी में आते हैं उनका उदाहरण कौन कौन से हैं, उनका अध्ययन करेंगे अपन ने। जैसे कल हमने जाना था कि हम जो है इन पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं तीन प्रकार में, जो कहलाते हैं अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थ, क्षारीय उच्च ताप सह पदार्थ और उदासीन उच्च ताप सह पदार्थ। अब जो अम्लीय है उनमें जो उदाहरण आएंगे वो कौन से आएंगे अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थ में? इसमें सिलिका है और अग्नि सह मिट्टी और एल्यूमिना, यानी सिलिका, फायरिक क्ले और एल्यूमिना आएंगे। क्षारीय उच्च ताप सह पदार्थों में कौन से आएंगे? मैग्नेसाइट और डोलामाइट। और उदासीन में कौन कौन से आएंगे? उदासीन में आएंगे आपके कार्बोरेंडम, ग्रेफाइट व क्रोमाइट। तो इनका हम अध्ययन जो है आज वन बाई वन जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं उन उदाहरणों का जो कि उच्च ताप सह पदार्थों में आते हैं, जिसमें प्रथम सिलिका, दूसरा फायर क्ले यानी अग्नि मिट्टी, तीसरा एल्यूमिना, चौथा मैग्नासाइट, पांचवा डोलामाइट, छठा क्रोमाइट, सातवा ग्रेफाइट और आठवा है सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरेंडम भी कहते हैं। तो प्रथम है सिलिका उच्च ताप सह पदार्थ, सामान्य भाषा में इसे सिलिका कहते हैं। सिलिका युक्त पदार्थ, इसका निर्माण कैसे होता है? सिलिका युक्त पदार्थ 90-95% तक एवं चूना 2% मिलाकर पीसा जाता है तथा पीसे हुए मिश्रण में निश्चित अनुपात में पानी मिलाकर पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाकर ईंटें बनाई जाती तथा ईंटों को धूप में सुखाकर धीरे धीरे अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। 24 घंटे में तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है, यानी 24 घंटे में तापमान आप कहाँ तक ले आओगे जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक ले आओगे। उसके पश्चात देखिए, इस ताप पर ईंटों को 12 घंटे तक पकाया जाता है और इस दौरान इनमें अपरूपी परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? क्वार्ट्जाइट से ये ट्राइडामाइट में परिवर्तित होता है, फिर क्रिस्टोबेलाइट में होता है। तो तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? 870 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 1470 डिग्री पर ये ट्राइडामाइट से क्रिस्टोबेलाइट में परिवर्तित होता है। इनका जो सापेक्षित घनत्व है यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.65 से 2.62 और 2.3 में परिवर्तन होता है। उससे पता चलता है कि पदार्थ का परिवर्तन एक अवरूप से दूसरे अवरूप में किस प्रकार से हुआ है। और चूना जो पदार्थ है वो बंधक के रूप में कार्य करता है। अब सिलिका के क्या गुण हैं? ये रसायनों के प्रति अक्रियाशील होते हैं। ये लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस ताप को सहन कर सकते हैं। उच्च ताप पर इनके आयतनों में परिवर्तन से इन ईंटों की बाहरी सतह टूटकर चूर्ण रूप में बिखरती है, अतः ये प्रक्रिया जो है उष्मा सह बिखराव या स्पेलेशन कहलाता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि तापमान अधिक होने पर इनके आयतों में परिवर्तन होता है। इनका उपयोग कहाँ होता है? मफल भट्टियों में किया जाता है, क्योंकि इनकी जो उष्मीय चालकता है वो अधिक होती है। तो इसका उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? मफल भट्टियों में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन पदार्थों का उपयोग कहाँ होता है? धातुकर्म में होता है। तो धातुकर्म में क्या काम आती है? भट्टियां काम आती है। इसके अलावा देखिए, ये खुले तल की भट्टी यानी ओपन हर्ट फर्नेस की छत बनाने में काम आता है तथा ओवन की दीवारें बनाने में काम आता है तथा कांच बनाने की भट्टियों में भी इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो उच्च ताप सह पदार्थ है वो कहलाता है फायर क्ले या अग्नि मिट्टी। तो सिलिका और अग्नि मिट्टी दोनों ही जो है वो अम्लीय जो है वो उच्च ताप सह पदार्थ है। इनका निर्माण कैसे होता है? जल योजित एल्यूमिनियम सिलिकेट को अग्नि मिट्टी कहते हैं। इसका रासायनिक संगठन निम्न अनुसार है, Al2O3 40%, सिलिका 46% और पानी जो है वो 14%।
इसका सूत्र निम्न अनुसार है, Al2O3.2SiO2 2H2O, तथा इसमें अल्प मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम आदि भी उपस्थित रहते हैं, तथा अग्निशय ईंटों में 1-4% लोह ऑक्साइड होता है। तो ये इनका सामान्य सूत्र है, Al2O3 2SiO2 2H2O, और अल्प मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम इत्यादि भी होते हैं। फिर देखिए, अग्नि मिट्टी को 1450 डिग्री तक रोटरी क्लिन में निस्तापित करके ग्रॉग बनाया जाता है, एक मिश्रण बनाया जाता है, जिसे पीस कर व छान कर इसमें बंधक पदार्थ क्ले या मोलेसिस मिलाया जाता है। उपरोक्त मिश्रण में जल मिलाकर पेस्ट बनाते तथा पेस्ट से ईंटें बनाकर तैयार की जाती है। ईंटों को कई दिनों तक वायु में ठंडे तल पर, तत्पश्चात गर्म तल पर सुखाया जाता है, और उसके बाद ईंटों को 1100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस ताप पर भट्टियों में पकाते हैं लगभग 10 दिन। अब इसके गुणधर्म देखिए अग्नि मिट्टी के। इनका रंग हल्का पीला से हल्का भूरा होता है, तथा अत्यधिक कठोर व ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। उसके बाद देखिए, अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थ जो हैं वो क्षारीय वातावरण में नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उच्च ताप पर अधिक भार सहन नहीं कर सकते। अग्नि मिट्टी का उपयोग कहाँ होता है, स्टील उद्योग में, वात्य भट्टी में, पीतल उद्योग में, सिरेमिक में, खुले तल की भट्टी के अस्तर इत्यादि के अंदर। तीसरा जो उच्च ताप सह पदार्थ है वो है एल्यूमिना या बॉक्साइट। उच्च ताप सह पदार्थ एल्यूमिना और बॉक्साइट का निर्माण कैसे होता है, देखिए ऊष्मा से ईंटें शुद्ध एल्यूमिना से बनाई जाती है। इसके लिए प्रकृति में मिलने वाले खनिज बॉक्साइट का 1500 डिग्री ताप पर निस्तापन किया जाता है। प्राप्त एल्यूमिना को चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले चिकनी के साथ मिलाकर ईंटें बनाते हैं तथा सुखाकर 1600 डिग्री ताप पर पकाते हैं। गुणधर्म देखिए, इनमें अग्निशय मिट्टी तथा सिलिका ईंटों से अधिक ताप सहन करने की जो है वो क्षमता होती है, यानी कि जो एल्यूमिना के जो ईंटें हैं इनमें अग्निशय मिट्टी यानी कि फायर क्ले और सिलिका से बनी ईंटों से अधिक ताप सहन करने की क्षमता होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति निष्क्रिय तथा तापीय प्रसार गुणांक कम होता है, यानी इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति निष्क्रिय होते हैं, इनमें तापीय प्रसार गुणांक कम होता है तथा रंध्रता यानी पोरोसिटी अधिक होती है। ये कम क्षारीय होते हैं, अतः उदासीन उच्च ताप से पदार्थ के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है, सीमेंट में, कागज में व कांच उद्योग में, भाष्मी बेसर विधि में व खुले तल की विधि में इनका जो उपयोग है वो किया जाता है। चतुर्थ जो है वो है मैग्नासाइट ईंटें यानी कि मैग्नासाइट रिफ्रैक्टरीज। ये है जो क्षारीय जो ऊष्मा से पदार्थ है उस कैटेगरी में आएंगे। इनका निर्माण क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज मैग्नीशियम कार्बोनेट को ही मैग्नासाइट कहते हैं। तो प्रकृति में जो मैग्नासाइट मिलता है उसको अपन 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे वो अर्ध जला मैग्नासाइट बनता है MgO। फिर 1700 डिग्री ताप पर गर्म करने पर ये पूर्ण जला मैग्नासाइट बनता है, जो कि आगे उपयोग किया जाता है। इस प्रकार पूर्ण जले मैग्नासाइट में बंधक पदार्थ अर्ध जला मैग्नासाइट मिलाकर पीसा जाता है, वह पीसे मिश्रण में पानी मिलाकर ईंटें बनाते हैं। ईंटों को धीरे धीरे 1700 डिग्री ताप पर पकाते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं, क्योंकि पकाते समय उच्च ताप पर इनके टूटने का भय रहता है, इसलिए इनको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। अब गुणधर्म क्या है, देखिए रंग सलेटी या गहरा भूरा व 2000 डिग्री ताप को सहन करने ये योग्य होते हैं, यानी मैग्नासाइट ईंटें जो है वो कितना तापमान सहन कर सकती है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान को सहन कर सकती है। भाष्मिक उच्च ताप सह पदार्थ होते हैं ये, यानी कि मैग्नासाइट क्या होते हैं, भाष्मिक उच्च ताप सह पदार्थ होते हैं, तथा इनकी जो पारगम्यता होती है, परमेबिलिटी होती है, वो न्यून होती है। तापीय चालकता उच्च होती है, वह ताप आघात व बिखराव सहन करने की क्षमता लेकिन क्या होती है, कम होती है। इनमें क्रोमाइट मिलाकर क्रोम मैग्नासाइट ईंटें बनाते हैं, इनकी तापीय आघात क्षमता जो है वो उच्च होती है। तो तापीय आघात क्षमता बढ़ानी है तो क्रोमाइट मिलाकर क्रोम मैग्नासाइट ईंटें बनाते हैं, ताकि तापीय आघात क्षमता बढ़ जाए। इनका उपयोग कहाँ होता है, परावर्तनी भट्टी में होता है, विद्युत भट्टी में होता है, खुले तल की भट्टी में होता है, बेसिक कन्वर्टर में होता है, तथा सिल्वर, गोल्ड व प्लेटिनम रिफाइनरी भट्टियों में भी इनका किया जाता है। नेक्स्ट क्षारीय जो उच्च ताप से पदार्थ है वो है डोलामाइट। कैल्शियम कार्बोनेट व मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिश्रण को ही डोलामाइट कहते हैं। डोलामाइट को सर्वप्रथम क्या करते हैं, तेजी से गर्म करते हैं, ताकि इसमें से क्या निकल सके, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, और निकलने के पश्चात कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रकार जो प्राप्त कैल्शियम व मैग्नीशियम ऑक्साइड के मिश्रण को पीसा जाता है। पीसे हुए मिश्रण में बंधक पदार्थ के रूप में सरपण
टाइन सरपन टाइन MgO SiO2 व जल मिलाकर ईंट बनाते हैं। ईंटों को सुखाकर 1500 डिग्री ताप पर 24 घंटों तक पकाया जाता है। वह पकाने से डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी 2CaO.SiO2 तथा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaO.SiO2 बनते हैं, जिससे ये नमी व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया नहीं करता। तो आपके सामने है कि किस प्रकार से जो डोलोमाइट है उसका जो है निर्माण किया जाता है। अब देखिए गुणधर्म, मैग्नासाइट ईंटों जो मैग्नासाइट ईंटें जो सस्ती होती है तथा तापीय आघात सहने का इनमें क्या होता है गुण होता है, परंतु मैग्नासाइट ईंटें ईंटों से जो सामान्य ईंट है उनसे अधिक नरम होती है तथा कम मजबूत होती है और अधिक रंध्रमय होती है। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, भट्टियों के तल में तथा मरम्मत करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, भट्टियों के अस्त निर्माण में जैसे विद्युत भट्टी, खुले तल की भट्टी इत्यादि में। नेक्स्ट है क्रोमाइट उष्माशय पदार्थ, क्रोमाइट रिफ्रैक्टरीज। क्रोमाइट यानी Cr2O3FeO को बंधक पदार्थ चिकनी मिट्टी या चूने के साथ मिलाकर ईंटें बनाई जाती हैं। ईंटों को 1500 से 1700 डिग्री तक पकाया जाता है। गुणधर्म क्या है, ये 1800 डिग्री तक ताप सहन कर सकते हैं तथा उदासीन उच्च ताप सह पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ये तापमान कितना सहन कर सकते हैं, 1800 डिग्री सेल्सियस तक तथा उदासीन उच्च ताप सह पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। वह तापीय आघात व बिखराव प्रतिरोधी होते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, भट्टियों के अंदर अस्तर लगाने में व भट्टियों के तल बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट श्रेणी में उच्च ताप सह पदार्थ आता है ग्रेफाइट। प्रकृति में पाए जाने वाले ग्रेफाइट को प्लम्बंगो कहते हैं और प्लम्बंगो को SCO से क्रिया करवाकर शुद्ध कराते हैं। इसके पश्चात इसमें बंधक पदार्थ प्लास्टिक मिट्टी अथवा सोडियम सिलिकेट मिलाकर क्रूसिबल बनाए जाते हैं। गुणधर्म क्या, ये उदासीन उच्च सहताप पदार्थ है। ग्रेफाइट अगलनीय होता है, वह धातुमल व अन्य रासायनिक पदार्थों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो उदासीन है, दूसरा ये अगलनीय होता है तथा धातुमल व अन्य रासायनिक पदार्थों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए इनमें उष्मा चालकता अधिक होती है तथा तापीय आघात सहन करने की क्षमता जो है वो भी अधिक होती है। अतः इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में, परमाणु भट्टियों को बनाने में, वो भट्टियों के अंदर का जो अस्तर है यानी जो लाइनिंग है उसको बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आप कार्बोरेंडम उच्च ताप सह पदार्थ, सिलिकॉन कार्बाइड भी कहते हैं कार्बोरेंडम को। इसमें 60% रेत व 40% कोक के मिश्रण को विद्युत भट्टी में 1300 से लेकर 1700 डिग्री ताप पर गर्म करके बनाते हैं। बंधक पदार्थ के रूप में चूना या फ्लेश पर मिलाया जाता है। अल्प मात्रा में क्या करते हैं, नमक का प्रयोग लोहे की अशुद्धि को वाष्पशील क्लोराइड के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे उसको बाद में पृथक किया जा सकता है। प्राप्त ईंटों में 85 से 90% सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरेंडम पाया जाता है। गुणधर्म क्या, गलनांक 2700 डिग्री यानी सबसे अधिक ताप सहन करने वाला ये उच्च ताप सह पदार्थ है तथा अत्यंत कठोर होने के कारण ये अपघर्षी यानी नॉन एब्रेसिव भी है। रसायनों के प्रति अक्रियाशील होते हैं तथा इनमें उच्च ताप व विद्युत चालकता होती है। तो ये सब जो है हमने अध्ययन किया विभिन्न वो पदार्थ जिनका उपयोग या जिनको आप उच्च ताप सह पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। और वो कौन कौन से पदार्थ थे जिनका हमने आज अध्ययन किया, वो निम्न अनुसार थे। पहला था सिलिका, फिर फायर के लिए यानी अग्नि मिट्टी, फिर एल्यूमिना, फिर मैग्नासाइट, फिर डोलामाइट, फिर क्रोमाइट, फिर ग्रेफाइट और अंत में सिलिकॉन कार्बाइड। धन्यवाद।